सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग के साथ मैं भद्रकाली मंदिर जाऊंगा, जो कि झारखंड के चतरा ज़िले के इटखोरी नामक जगह पर माँ भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि इसे भदुली की धाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसे महाना नदी और बक्सा नदी के संगम पर स्थित यह स्थान है, और यह स्थान हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का संगम स्थल भी है, तो ही आज हम जा रहे हैं। तो बाकी की जानकारी मैं पूरे वीडियो में बताते हुए जाऊंगा। मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर मेरे वीडियो में कुछ जानकारी अगर जो गलत लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम सब रांची से निकल गए हैं, बूटी मोड़ आ गए हैं, यहाँ से गाड़ी में पेट्रोल और हवा वो चेक करवा के आगे तक चलते हैं। अगर रेलवे जंक्शन, मतलब आप कहीं से भी आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन में उतर के अगर जाना चाहते हैं इटखोरी, तो सबसे उसके सामने जो होता है कटक मसांडी, जो कि 28 किलोमीटर है। फिर आता है हजारीबाग, जो कि 52 किलोमीटर है। फिर कोडरमा आता है, 63 किलोमीटर है वहाँ से। फिर धनबाद आता है, धनबाद 161 किलोमीटर है। रांची आता है, रांची भी वही समथिंग वैसे ही है। गया आता है, गया से फिर 92 किलोमीटर है। अगर बात करें सबसे नज़दीक एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट सबसे नज़दीक शायद रांची ही पड़ेगा आप लोग को, जो कि 152 या ऐसे कुछ होगा। और पटना जो कि 250 किलोमीटर है, कलकत्ता भी वही 424 ऐसे ही कुछ है। हम लोग रांची से बूटी मोड़, मेसरा, इरबा और माझी, बुंदाक से काके मोड़ अभी पहुंचने वाले हैं। तो काके मोड़ में एक मंदिर है, जो कि आप सबको दिखाते हैं। हम लोग काके बार पहुंच गए हैं, तो देख सकते हैं आप माया टुंगड़ी, माया मंदिर, जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो हम लोग अभी इस वक्त आरआर में हैं, तो आरआर से पश्चिम की तरफ हम लोग इटखोरी का जो सड़क है उस तरफ चलते हैं। काली मंदिर 32 किलोमीटर है। तो आप सब देख सकते हैं मंदिर, हम लोग मंदिर के जो मुख्य द्वार है हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मंदिर है, तकरीबन 3 घंटा का रास्ता सफर करने के बाद हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। फाइनली अब हम लोग मंदिर पहुंच गए। बाइक पार्किंग में रख दिए हैं और मंदिर के लिए पूजा प्रसाद लेते हैं और मंदिर चलते हैं। देख सकते हैं मंदिर के मेन द्वार में पहुंच गए हैं। तो मेन द्वार में देख सकते हैं ऊपर में माँ शेरावाली विराजमान है, आप सब दर्शन कर लीजिए। देख सकते हैं माँ भद्रकाली मंदिर प्रवेश द्वार में दोनों साइड पास दो दो दरवान है, जाते टाइम आपको अंदर में भी दिखेंगे और बाहर में भी दरवान दिखेंगे। मंदिर से आगे चलते हैं तो मंदिर के ठीक फ्रंट में यानी कि सामने में बरगद के पेड़ हैं। अगर बात करें यहाँ नदी का संगम, तो जिस तरह राजरापा मंदिर में दामोदर और भैरवी नदी का संगम है, ठीक उसी प्रकार यहाँ इटखोरी माँ भद्रकाली, महाने और बक्सा नदी का संगम है। बता दें यहाँ इटखोरी तीनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। इटखोरी का नाम गौतम बुद्ध की एक घटना से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध सच्चे ज्ञान की खोज में अपना घर वर छोड़कर यहाँ आए थे। तो अब उनके ध्यान में, जब वो ध्यान में थे तब उनकी मौसी की बहन उनकी खोज में यहाँ आई थी, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जब नहीं टूटा तो मौसी ने स्थानीय भाषा में उसे इटखोरी कहा, जिसका अर्थ कि यहाँ पर वह खो गया है। ध्यान में इन दो शब्दों पर इटखोरी, इस स्थान को इटखोरी कहा जाता है। बाद में इसे बदलकर इटखोरी हो गया।
इस क्षेत्र को भदोली के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह भदोली नामक नदी के किनारे बना है। बताए पुरानी कथाओं के अनुसार यह स्थान हिंदू धर्म कथाओं में यहाँ भगवान राम वनवास में के दौरान राम लक्ष्मण सीता यहाँ कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। और बता दें महाभारत में राजा धृष्टिर भी यहाँ अपने निर्वासन के दौरान यहाँ रुके थे। अतः यह स्थान रामायण और महाभारत दोनों काल से संबंधित है। तो हम लोग माँ भद्रकाली मंदिर के पूजा करके अभी बाहर निकल गए हैं। तो मंदिर में जैसे आप लोग प्रवेश कीजिएगा वहाँ मंदिर में गोमत पत्थर से माँ गोमत पत्थर यानी अष्ट धातु से माँ भद्रकाली की प्रतिमा है जिस पर काल का कहा जाता है कि अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर के चारों कोनों ओर अगर देखिएगा तो भगवान बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमा तो देख सकते हैं। माँ भद्रकाली मुख्य मंदिर के ठीक निकलने के बाद आपको हनुमान जी का मंदिर छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। इसके आगे पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो पहले हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं उसके बाद फिर और मंदिर चलते हैं। तो ठीक हनुमान मंदिर के बगल में पंचमुखी मंदिर है। पंचमुखी के आगे और शनिदेव जी हैं। शनिदेव जी के बाद नंदी महाराज और शिव भगवान जी हैं। तो यहाँ थोड़ा फोटोशूट हो रहा है। फोटोशूट होने के बाद चलिए उन सब मंदिर के भी आप सबको एक एक करके दर्शन करवाते हैं और उन सब मंदिर के बारे भी आप सबको जितना हो सके जानकारी देते हैं। तो चलिए आप सबको हनुमान जी का पंचमुखी रूप का दर्शन करवाते हैं। तो हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को खोजने के लिए पाताल लग गए थे तब अहिरावण माँ भवानी का पूजा करने के लिए 5 अलग अलग दिशाओं में दिए जलाए थे। तो उन्हीं 5 दियो को एक ही बार बुझाने से अहिरावण का वध हो जाता। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था जिससे अहिरावण का वध हो जाए। तो चलिए आगे। तो इसी के आगे शनिदेव जी का मंदिर है और उसके आगे महादेव जी का मंदिर है। तो देख लीजिए और एक बार हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं जो न्यायकर्ता शनिदेव जी हैं उनका भी दर्शन करते हैं। उसके बाद महादेव जी का दर्शन करेंगे और उसी के आगे राम जानकी मंदिर है। तो एक एक करके चलिए सब मंदिर दर्शन करते हैं। चलिए चलिए सुभाष भैया तेल डालिए डालिए ना वो देखिए वहाँ पे डाल रही है। अच्छे से डाल। तो भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है तो हम लोग भी उनको तेल चढ़ा रहे हैं। लीजिए पकड़िए ना हम डाल। जय शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव महाराज। आइए ना गए थे ना मांगेगा नहीं। तो आप सब भगवान शनिदेव का दर्शन कर सकते हैं। हटेगी तब बनाए रे। कौन है? कौन है? जय माँ भद्रकाली। वीडियो क्वालिटी लेकिन मस्त है। तेरा क्वालिटी बढ़िया।
वाला मंदिर चलिए घूम घूम के चलो। तो चलिए अब महादेव महाशंकर हमारे महाकाल महादेव जी का दर्शन करवाते हैं। तो मुख्य मंदिर के ठीक परिसर से सटा हुआ ही है और मंदिर है जिसे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर में एक बड़े शिवलिंग में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण किए गए हैं। साथ ही इस मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शंकर का वाहन नंदी की विशाल शिला से निर्मित प्रतिमा है। ये दोनों वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए आप राम जानकी मंदिर जी का दर्शन करवाते हैं। तो इस मंदिर में राम लक्ष्मण सीता भगवान गणेश विश्वकर्मा सब हैं। तो यही मंदिर वो है जिसमें सब भगवान हैं, राम भगवान लक्ष्मण सीता हनुमान। तो आइए दर्शन करवाते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले तुलसी का मंदिर है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो देख सकते हैं अंदर प्रवेश करते हैं भगवान गणेश जी का मूर्ति विराजमान है, इधर विश्वकर्मा भगवान यहाँ पे हैं। तो दर्शन कर लीजिए विश्वकर्मा भगवान जी को। और इसके ठीक बगल में आप देखे थे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा है, देख सकते हैं हनुमान जी थे। यहाँ देखिए राम लक्ष्मण सीता हनुमान तीनों चारों जन हैं। तो दर्शन कीजिए। राम लक्ष्मण सीता हनुमान। तो चलिए हम भी फोटो शूट कर लेते हैं। मरा लिया था मरा लिया था हुआ था उसमें हाँ। तो पंडित जी से मंदिर के बारे जानकारी विजयति रामं रामी संभने रामी नंदी हतनीश्वरं रामाय तस्मै नमः। ओम रामचंद्राय नमः रामभद्राय नमः सीताय नमः पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरो रामलखन सीता सहित मंदिर का पूरा सीन ले लीजिए। तो काफ़ी देर बैठे तो एक बार फिर से राम लक्ष्मण जानकी जय भोलो हनुमान की आप सब फिर से एक बार दर्शन कर लीजिए राम लक्ष्मण सीता बजरंगबली जी का। और फिर चलते हैं फिर से मंदिर। तो देख सकते हैं मंदिर हम लोग आ गए हैं, कितना भीड़ हो गया मंदिर प्रांगण में। तो ये मंदिर अभी इसलिए इतना भीड़ हो गया है क्योंकि 12 बजे शायद आधा घंटा या एक घंटे के लिए मंदिर कुछ देरी के लिए बंद होता है। तो चलिए माँ भद्रकाली के इस रूप के बारे में जानते हैं। कहा जाता है राजा सूरत जिसका नाम दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, हंटरगंज के पास कुलेश्वरी की पहाड़ियों में राजधानी थी। वह एक विदेशी राजा से हार गया था
और यहाँ मेधा ऋषि के आश्रम में आया था। उसी समय सारथी नाम के एक अमीर व्यापारी को उसके अपने परिवार ने उसकी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया और वहाँ भी उस आश्रम में आ गया। दोनों को अपने संकट का कारण जानने की जरूरत थी। मेधा ऋषि ने उन्हें कई उदाहरण देते हुए कारण बताया कि यदि माँ भद्रकाली के संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उन्हें देवी भद्रकाली की प्रार्थना करनी चाहिए। दोनों महीने नदी के पास तामसी नामक घने जंगल में और प्रार्थना और तपस्या में लीन हो गए। माँ भद्रकाली प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ आ गई। लेकिन राजा सूरत मनचाहा राज वापस जमीन पर गिर लेकिन व्यापारी आदिशक्ति ने भद्रकाली का भयंकर रूप धारण किया और उनसे युद्ध किया लेकिन उन्हें पराजित नहीं कर सकी। इसीलिए वह युद्ध के मैदान में असुरों को निगलने लगी और अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड को नष्ट कर दिया। क्या खत्म हो गया? हाँ? सब ये हो गया? कब मिला? यहाँ आदमी चलिए हाँ यहाँ तो फोटो लेना है ना। क्या कर रहे? कहाँ मैदान? अच्छा वो मंदिर है का? नहीं वो जगह भोले शंकर जो देख रहे होने के बाद मंदिर के बाहर की ओर कहाँ रास्ता है? आगे मंदिर से पीछे उधर चल जाएगा वो व्हाइट वाला का वही मंदिर निकल जाएगा। अच्छा यहाँ से भी घुसने का रास्ता है? हाँ जो हम लोग राम मंदिर वहाँ बैठे थे वही है ना। अच्छा इसीलिए अंदर गाड़ी घुसाया था। जय माँ भद्रकाली। जय माँ। वहाँ लगता है चुनरी उनरी बांधता है। चल जाता है बांधता। देखेगा चलेगा का? हाँ चलेगा। अब वही देखने को जो मिलेगा। भोजन कर लेते हैं अब। हाँ।